तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। रात को ये एक सूरा पढ़ लें, इंशाल्लाह सुबह तक आपके चारों तरफ दौलत ही दौलत होगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको मालो दौलत का और पैसे आने का ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। आप रात को ये पढ़कर सो जाएं, सुबह आपके चारों ओर पैसे होंगे, यानी चारों तरफ से आपके पास पैसे आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे मानो सुबह उठा तो बिस्तर के नीचे पैसे पड़े थे। ये मैं एक मुहावरा आपको बता रहा हूँ कि चारों तरफ आपके पास पैसे ही पैसे आएंगे। इंशाल्लाह आपकी रोज़ी में रिस्क में इतनी बरकत होगी कि आपका घर पैसों से भर जाएगा, आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक आप खुद पढ़कर देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, फिर मुझे कहना। यकीन माने ये बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है और बहुत पावरफुल और ख़ास अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, शायद आपने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये आप करें, इंशाल्लाह दिन ब दिन आपके हालात बदलते चले जाएंगे और आप मालदार होते चले जाएंगे और पैसे दौलत आपकी तरफ खींची चली आएगी। बस आप एक बार इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ कर लें। अगर हाथों में ढेर सारी मालो दौलत और घर में बेपना रिस्क न आई तो आप मुझे फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे को आपको रात में सोने से पहले पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे मालो दौलत को आपसे प्यार ही हो जाएगा, ढेर सारी दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना मर्जी भी आप पैसे खर्च करेंगे, आप जितना भी पैसा उड़ाएंगे, मगर पैसा आपके पास से कभी कम ना होगा, कभी ख़त्म ना होगा, बल्कि उस पैसे में अल्लाह ताला के फजल करम से खूब बरकतें पैदा हो जाएंगी, वसातें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर से, तवज्जो से ज़रूर सुनिए, समझिए और बड़ी एहतियात से सुने, ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें, इसकी बरकतों से माला माल हो सकें। ये ऐसी मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला जब आप रात को अपने बिस्तर पर ये तस्बीह पढ़कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मैं जो तस्बीह, जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, आपको इसको पूरी तवज्जो के साथ सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। यानी कि पहले अमल को करने का तरीक़ा, वजीफे को करने का तरीक़ा अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है। बताए गए सही तरीके के मुताबिक आप इस वजीफे को करेंगे, आपको तभी फ़ायदा होगा अगर वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, वजीफा करने का तरीका ठीक से नहीं समझेंगे और सही तरीके से अमल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा, आप ही बताइए। आज के वक्त में हर दूसरा शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। हर दूसरा शख्स आज के दौर में पैसों की वजह से परेशान है। अब चाहे वो कोई मजदूर है या चाहे कोई अफसर है या फिर वो एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में ज़रूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा ही नहीं होता, मेरी सैलरी के पैसों से गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितनी भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे ही नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जब कामिल यकीन से आप इस वजीफे को करेंगे, सच्चे यकीन से, सही तरीके से, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी रोज़ी रिस्क में, आपकी कमाई में, आपकी मालो दौलत में इतना इजाफा हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे।
आपके पास गैब से इतनी ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर से दौलत और रिस्क के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अल्लाह पाक से आप जब भी मांगें तो पूरे यकीन के साथ और पूरी उम्मीद के साथ मांगें, यानी इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। दिल में ये यकीन रखा करें कि मैं अपने रब से मांग रहा हूँ, किसी और से नहीं मांग रहा, इसलिए मुझे लाजमी मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। याद रखना, आपका यकीन जितना पुख्ता होगा इंशाअल्लाह आपकी दुआ उतनी जल्द कबूल होगी और अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, आपकी तमाम की तमाम मुश्किलात, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, वह तमाम दुख तकालीफ, आपकी तकलीफ़ें, आपके दर्द, आपके मुश्किल वक्त, वो परेशानियां जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी इंशाअल्लाह, वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिज्क और इतनी ज़्यादा मालो दौलत से मालामाल कर देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी माओं बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे वक्त से परेशान हैं, चाहे आप कर्ज़ों में दबे हैं, कर्ज की दलदल में दबे हैं, कर्ज़ के दलदल में फंस गए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वजीफे को ज़रूर करें, इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने की बरकत से आपको कर्ज से निजात मिलेगी, आपको आपके कर्ज़ों से छुटकारा हासिल होगा। और अगर आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, कमाई बहुत कम है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से ऐसे ज़राए, ऐसे ज़रिए पैदा हो जाएंगे और ऐसी जगहों से, गैब के ख़जानों से आपको रिस्क अता फरमाएगा कि अल्लाह पाक के फजल से अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं अल्लाह के फजल से वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से दूर हो जाएंगी, आपको दोबारा उन परेशानियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, वजीफ़ा करने का तरीक़ा ध्यान से, गौर से सुनें, समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देखेंगे और इस वजीफे को जानेंगे, तो क्यों ना हम साथ मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। क्या पता किसकी दुआ की बरकत से हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं, क्या पता किसके आमीन कहने की वजह से हम सब की दुआ कबूल हो जाए, हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए हम दुआ करते हैं। आप सभी हजरात आमीन ज़रूर कहिएगा और इस दुआ में आप भी ज़रूर शामिल रहिए, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी, इसलिए इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं, हम दुआ करेंगे, आप सभी आमीन ज़रूर कहिएगा। तो कम अज़ कम शुरू में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशां के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं,
खताकार हैं, सयाकार हैं, मेले कुचैले हैं। या रब हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, मौला ताला हमारी इस शर्मिंदगी को कबूल फरमा। ए अल्लाह अपने फजल व करम से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुनाहगारों के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे माँ बाप की और सारी दुनिया के मुसलमानों की बेहिसाब मगफिरत फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़ी में, रिस्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मौला ताला जो भी तेरे प्यारे बंदे, जो भी मुसलमान इस वीडियो को देख रही हैं, बिलखसूस जो इस दुआ में शामिल हैं, मौला ताला उनकी, हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की, जिसके भी दिलों में जो भी हाजतें हैं, जिसकी जो भी मुरादें हैं, मौला ताला उन सब की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मौला ताला हम सब के दिलों की हर नेक व जायज़ तमन्ना, हर नेक व जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या इलाही, या अल्लाह जो जिस परेशानी में मुबतला है उन्हें उनकी उस परेशानी से, उन परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं, हम रहम के लायक हैं, मौला हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें नफ्स व शैतान के धोखों से बचा, मौला हमें दुनिया व आखरत दोनों की ज़िल्लत व रुसवाई से बचा, हमें दुनिया व आखरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा। मौला ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो औलाद में बेटी के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें रहमत अता फरमा, जो बेटी की ख्वाहिशमंद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़वजल उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को उनका फरमा बरदार व खिदमत गुजार, अतात गुजार, दीनदार बना। या अल्लाह अज़्ज़वजल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम में से जिनके वालिदैन ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए उनके बेहिसाब मगफिरत फरमा। जिनके माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं, मौला ताला उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उन्हें सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह हमें बरकत अता फरमा, आफियत अता फरमा। मौला ताला जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज में मुबतला है, मौला ताला उन्हें जल्द अज जल्द कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा, कर्ज से छुटकारा अता फरमा, कर्ज से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बीमार हाल हैं, मौला ताला उन्हें शिफाए कामिला दाइमा आजिला अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मेरे भाई बहन शादी के लायक हो चुके हैं, जो घरों में बैठे हैं, अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे रिश्ते के इंतज़ार कर रहे हैं, मौला जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, जिनके रिश्ते लगते हैं टूट जाते हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से उनके लिए अच्छे से अच्छे, नेक से नेक रिश्ते के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनके शादियों के असबाब नहीं बन पा रहे, इंतज़ाम नहीं हो पा रहे, अपने फजल व करम से गैब से उनके लिए असबाब पैदा फरमा, इंतज़ाम अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी अपने जिस हाजत को दिल में रखकर इस दुआ में शामिल है उसकी उस हाजत को पूरा फरमा, उनकी हर नेक व जायज़ मकासद को पूरा फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमा। क़यामत के दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और जा करके जल्दी से आमीन ज़रूर टाइप कीजिए, क्योंकि क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और इसकी बरकत से हम सब की दुआ कबूल हो जाए, हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और दिल से आप लोग आमीन ज़रूर लिखिए, दिल से आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफे की जानिब चलते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनें और वजीफे को ध्यान से समझें, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमें वजीफे की समझ ही नहीं आई, वजीफा कब करें, कितनी तादाद में पढ़ें, कैसे करें। हालांकि सारी चीज़ें हम वीडियो में तफसील से बता चुके होते हैं,
इसके बावजूद हमसे कमेंट में पूछा जाता है कि इस वजीफे को हम कब करें, कैसे करें, कितनी तादाद में करें या किस वक्त करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफे को ध्यान से, गौर से सुन लें, समझ लें। याद रहे, इस वजीफे को नापाकी की हालत में नहीं करना है। जी हाँ, जब आप नापाक हों तो आप इस वजीफे को ना करें। पाक साफ और बावजू हालत में ही आपको ये वजीफा करना है। जब आप पाक और साफ हों तभी इस वजीफे को आप करें। ये अल्लाह पाक के तीन सिफाती नामों का वजीफा है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारक का वजीफा मैं आज आपको बताऊंगा। और मौला तआला के इन तीन सिफाती नामों के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह कौसर का वजीफा भी बताऊंगा, जिसे आप लोग रोज़ाना रात को सोते वक्त कर लें या कम अज़ कम एक रात तो ज़रूर कर लें, एक दिन कम अज़ कम ज़रूर कर लें। यानी बिस्तर या चारपाई पर जाने के बाद, यानी जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, अपने बेड पर जाएं, अपनी चारपाई पर जाएं, या जहां आप सोते हैं वहां आप जाएं अपने सोने की जगह पर, तो सोने से पहले वहां ये वजीफा कर लें। फिर इंशाल्लाह आपके मालो दौलत में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत होगी और ढेर सारा इजाफा हो जाएगा। बेहतर होगा इस वजीफे को आप 5 दिन लगातार कर लें। जी हाँ, इस वजीफे को आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन आप मेरे कहने से इस वजीफे को कर लें। 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो 1 दिन सिर्फ कर लें, लेकिन कोशिश करें 5 दिन लगातार कर लें। याद रहे, अगर 5 दिन लगातार करें तो उन 5 दिनों में नागा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि 5ों दिन लगातार पढ़ें। अगर गैप हो जाता है, नागा हो जाता है, तो फिर से शुरू से शुरू करें, यानी फिर पहले दिन से आप शुरू करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत आसान वजीफा है, बहुत कम वक्त लगेगा आपको ये वजीफा करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको सिर्फ 5 दिन करना है। हमने आपको बताया आप सिर्फ 1 दिन भी कर सकते हैं, मगर बेहतर होगा आप चाहते हैं आपकी हाजत पूरी हो जाए तो दिल से, लगन से इस वजीफे को सिर्फ 5 दिन आप पढ़ लें। जी हाँ, एक बार फिर कहूंगा, सिर्फ 5 दिन लगातार आप पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ आप ये अमल कर लें। तो सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो 6वें दिन तो आपके पास चारों तरफ से ढेर सारी मालो दौलत आ जाएगी। आपके पास मालो दौलत और पैसे ऐसी ऐसी जगह से आएंगे जहां से आपका गुमान भी ना होगा। आपको ये वजीफा नापाकी की हालत में नहीं करना है और बिना वजू के नहीं करना है। आपको पाक साफ हो और बावजू हालत में ही ये वजीफा अपने बेड पर या अपने सोने की जगह पर, अपने बिस्तर पर बैठकर करना है। याद रहे, जिस बिस्तर पर आप बैठकर पढ़ें वो जगह पाक और साफ हो। ज़रूरी नहीं कि बिस्तर पर पढ़ें, आप इशा की नमाज के बाद अपने जाय नमाज पर बैठकर भी, अपने मुसल्ले पर बैठकर भी ये वजीफा कर सकते हैं। अगर हमारे भाई मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में भी ये वजीफा वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा घर में कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। सोने के टाइम आप चटाई पर बैठकर पढ़ सकते हैं, आप सोफे पर बैठकर, चेयर पर, कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, चारपाई पर, तख्त पर, पलंग पर, बेड पर, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं। पाक साफ जगह पर बैठ जाएं और फिर ये वजीफा करें। अगर बिस्तर नापाक है तो उस नापाक बिस्तर पर बैठकर न पढ़ें, कहीं भी और पढ़ लें, आप पूरे घर में कहीं पढ़ लें। सोने से पहले आपको पढ़ना है, टाइम याद रखें, या ईशा की नमाज के बाद आप कभी भी पढ़ लें। अगर देर से सोते हैं कोई बात नहीं, आप ईशा की नमाज के बाद फौरन इस वजीफे को पढ़ना चाहें तो फौरन पढ़ सकती हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं, तो अपनी उदासी छोड़ दें, आप खुश हो जाएं। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद, बहुत ही जल्दी इस अमल को करने के बाद आप माला माल हो जाएंगे। फिर रिज्क और मालो दौलत आपको आपके सोच से भी ज्यादा मिल जाएगी। आपके पास इतनी दौलत होगी कि आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ कर खाएंगी। जी हाँ, इतनी दौलत और इतना पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस वजीफे को कामिल यकीन और जायज हाजत के लिए किया हो, कामिल यकीन के साथ, और उसको रिज्क और मालो दौलत न मिली हो। कई ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जिन्होंने सही तरीके से, सही टाइम पर वजीफे को किया, उनको रिज्क और मालो दौलत इतनी मिल गई
कि कल तलक जो परेशान फिरते थे और दर बदर की ठोंकरें भी खा रहे थे, वो आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको वजीफे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहले आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो दुरूद पाक पढ़ने का आपको दिल चाहे। बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी जो हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। हम आपको दुरूद इब्राहिमी 1 बार पढ़कर भी सुना देते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। जी हाँ, ये दुरूद इब्राहिम है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी दुरूद पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 3 बार आपको पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हो गया 3 बार। आप इतना भी पढ़ सकती हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप कोई भी दुरूद, चाहे जो आपको याद हो या जो आप पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको 3 बार यानी कि 3 times दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाँ, यानी तऊज़ और तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एक बार पढ़ लिया, ठीक है। एक एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि जब आप इस वजीफे को पढ़ें तब आपको किसी से भी कोई भी किसी किस्म की बात नहीं करनी। आप इस वजीफे को अकेले बैठकर पढ़ें। कोशिश करें आपके आसपास कोई ना हो, या अगर कोई हो भी, कमरे में कोई है, तो आप उससे बातचीत ना करें, इशारों में भी बात ना करें। चुपचाप आप बैठकर अपना वजीफा पढ़ें, अपना अमल करें। आपको अल्लाह ताला के इन 3 नामों की तस्बीह पढ़नी है। तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तब 1 बार शुमार होगा, 1 बार माना हो जाएगा। यानी इस तरह से 1 बार मानिए, तीनों को मिलाकर पढ़िए तो 1 बार मानिए। या गनीजू, या मुगनी, या रज़ाकू। ध्यान से सुने, या गनीजू, या मुगनी, या रज़ाकू, ये हो गया 1 बार। या गनीजू, या मुगनी, या रज़ाकू, ये हो गया 2 बार। या गनीयू, या मुगनी, या रज़ाकू, ये हो गया 3 बार। या गनीयू, या मुगनी, या रज़ाकू, ये हो गया 4 बार। या गनीयू, या मुगनी, या रज़ाकू, ये हो गया 5 बार। ये तीनों अल्लाह ताला के नामों को मिलाकर पढ़ना है और 1 बार शुमार करना है। यानी कि तीनों मिलाकर पढ़ा, ये 1 बार हुआ, फिर पढ़ा 2 बार हुआ, फिर तीनों को मिलाकर जिस तरह से हमने पढ़ा उस तरीके से आपने पढ़ा तो ये 3 बार हुआ। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको इतना 160 मरतबा पढ़ लेना है। कितनी बार? 160 times, यानी कि 160 बार। जी हाँ, 160 बार क्या पढ़ना है आपको? या गनीजू, या मुगनी, या रज़ाकू,
ये हो गया एक बार, या गनीयू या मुगनी या रज़ाको ये हो गया दो बार। इसी तरीके से 160 बार पढ़ना है आपको। आप कोई तस्बीह ले लें, उस पर गिन लें। अक्सर हमारे घरों में 100 दानों वाली तस्बीह होती है, तो अगर आप 100 दाने पढ़ लेते हैं, ये 100 बार हो गया, फिर 60 बार और पढ़ लें। या आप काउंटर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह है, उस पर भी आप गिन सकते हैं, या जिस तरीके से आपको आसानी हो गिन कर 160 बार पढ़ लें। क्या पढ़ेंगे? या गनीयू या मुगनी या रज़ाको। फिर 121 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जी हाँ, सूरह कौसर हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। आपको सूरह कौसर पढ़ने से पहले फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है शुरू में एक एक बार। हर बार आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरीके से पढ़ते जाएं और 121 बार यानी कि 121 टाइम्स आपको पढ़ना है। कितनी बार? 121 बार पढ़ें। क्या पढ़ना है आपको? सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये पूरी सूरत। आपको हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, सिर्फ शुरू में एक एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरह से पढ़ना है। फिर आपको सूरह कौसर पढ़ते जाना है और पूरे 121 बार पढ़ लेना है। फिर इतना पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है, और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना है, अपने रब से, अपने खालिक व मालिक से, अपने खुदा से दुआ करना है। एक बार अगर आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न होगा, दोबारा क्लियर हो जाए इस वजह से, इसलिए हम आपको वजीफ़ा दोहरा कर बता देते हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। फिर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और या गनीयू या मुगनी या रज़ाको 160 बार। फिर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह कौसर पढ़ने से पहले, फिर सूरह कौसर 121 बार पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, हमने आपको अच्छे से बता दिया, समझा दिया। आखिर में भी आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, आखिर में भी पढ़ लें। इतना करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, अपने दुख अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सुनाएं, मौला ताला से मांगें, अल्लाह से मांगें आपको जो कुछ चाहिए, दुनिया के लिए मांगें, आखिरत के लिए मांगें, जन्नत मांगें, दुनिया की नेमतें मांगें, जन्नत की नेमतें मांगें, अपने लिए मांगें, अपने भाई बहनों के लिए मांगें, अपनी औलादों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मांगें, खासकर अपने माँ बाप के लिए मांगें और अपनी आने वाली नस्लों के लिए मांगें, अपने लिए भी मांगें, दुनिया भर के सारे मुसलमानों के लिए, अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए मांगें। इंशाल्लाह जब आप दूसरों के लिए भी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी, और जब आप यकीन के साथ दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आपको जो कुछ चाहिए अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है। दुनिया वालों से मांगने से दुनिया वाले नाराज़ होते हैं, ना मांगने से खुश होते हैं, मगर अल्लाह से ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। अल्लाह से मांगा करें। तो इस वजीफे को पढ़ना है जिस तरीके से हमने आपको बताया, और पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यकीन कामिल के साथ हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। दुआ के शुरू और आखिर में एक एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो दुआ आसमानों तक नहीं पहुँचती जिसके शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी जाती। तो जब भी दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ किया करें, और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। आप इस वजीफे को सिर्फ 5 दिन कर लें, 6ठे दिन दौलत खुद आपके पास चल कर आएगी इंशाअल्लाह।
इस वजीफे को करने के बाद आपको सो जाना है, अगर आपको सोना हो तो इस वजीफे को रात में पढ़ें। इशा की नमाज के बाद कभी भी आप पढ़ लें या आप सोने से पहले पढ़ लें। आप इस वजीफे को करेंगे और खुद भी हैरान रह जाएंगे, इस वजीफे में इतनी ताकत है, इतना असर है, इस अमल में इतनी ताकत है, ये इतना पावरफुल वजीफा है कि अगर आप एक दफ़ा इसे कर लेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सिर्फ ये 5 दिन का वजीफा है, आप जिंदगी में ये वजीफा ज़रूर कर लो तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि किसी भाई ने हमें कोई खास वजीफा बताया था। जब आप अपने हाथों में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे कि इतना पैसा, इतनी मालो दौलत आ गई है, इतना रिस्क कहाँ से आ गया, आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाएगा, जानना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है, पहले भी तो मैं यही काम करता था, अल्लाह पाक ने इतने रिस्क से मुझे नवाज दिया है, इतना पैसा अता फरमा दिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये दौलत और रिस्क कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस अमल को अपने उन तमाम बहन भाइयों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें जो परेशान हाल हैं, जिनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है, जो मुफलिसी का शिकार हैं, तंग दस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह पाक का मुबारक नाम पढ़ने की बरकत से, अल्लाह पाक के नामों की बरकत से, इस मुबारक कुरान की सूरत की बरकत से इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जब आप ये वजीफा करके अपने रब से मदद मांगेंगे, अपने रब से दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर फरमा देगा। इसका अज्र आपको भी मिलेगा। आप इस वजीफे को खुद भी करें और उन तमाम लोगों को बताएं, उन तमाम तक इस वीडियो को शेयर करें, अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी मुझे देखने सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं, अल्लाह पाक उन सभी की मुश्किलों को दूर फरमाए और आप सबको, हम सबको बेहतरीन पाकीज़ा हलाल रिज्क अता फरमाए। जिनके ऊपर कर्ज की परेशानी है, जो कर्ज में फंस चुके हैं, अल्लाह पाक उनका कर्ज दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आपकी, मेरी, हम सब की, सारी दुनिया के मुसलमानों की, जिनके भी रिज्क में रिज्क की तंगी है या जो भी हमारी परेशानी है, वो ख़त्म हो जाए, हमारे ऊपर रिज्क की, दौलत की बारिश कर दे, जो भी बीमार हाल हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जिनकी जो भी बीमारियाँ हैं, तकालीफ हैं, उन्हें दूर कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप सब नमाज का अहतमाम भी लाजमी करें। 5 वक्त की नमाज़ें मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज के बग़ैर कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हम गुनाहगारों की हरनी को जज़ दुआ कबूल फ़रमाए। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हम सब की हर हाजतों को पूरा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर आप सब आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।